जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम मियाजीमा आइलैंड की तरफ जा रहे हैं, तो जनाब हम मियाजीमा आइलैंड पहुंच चुके हैं और हम अब जा रहे हैं ठोरी गेट की तरफ। ठोरी गेट बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत सा सीन क्रिएट करते हैं रात के टाइम, स्पेशली जब इस पर एलिमिनेशन होती है तो बहुत प्यारा मंदिर होता है वो, और ये रात 11 बजे तक होता है। तो हम अभी हम उधर ही जा रहे हैं और वहाँ पे जो है ना, ये बेसिकली बीच पे स्टैंड किया गया है। 16.8 मीटर इसकी हाइट है और ये 1875 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो जनाब हम अब उसी तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत से टूरिस्ट आए हुए हैं, स्पेशली क्योंकि अभी यहाँ पे देखते गोल्डन वीक चल रहा है, लोकल टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा है और इंटरनेशनल टूरिस्ट तो वैसे जापान में बहुत ज़्यादा ही आते हैं। तो क्योंकि यूरोप और अमेरिका के लिए तो आई थिंक वो जो होते हैं उनको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उन्होंने सिर्फ टिकट लेना होता है और वह यहाँ पे आ जाते हैं, तो उनके लिए कोई मसला नहीं होता। ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हैं यूरोपियन और अमेरिकन। तो अभी हम जा रहे हैं उधर। यहाँ पे एक और अट्रैक्शन है कि अट्रैक्शन यह है कि यहाँ पे डियर्स बहुत ज़्यादा हैं, ये वाइल्ड डियर्स होते हैं। तो वाइल्ड डियर्स जो जो ही आपको देखते हैं कि आप कुछ खा पी रहे हो तो बस फिर आपको जान नहीं छूटेगी, ये हर टाइम इसी चक्कर में रहते हैं और सुनते हैं मतलब क्योंकि उनके पास खाने पीने का कोई सामान है या नहीं। अभी हम काफ़ी पी रहे थे और साथ में सैंडविच भी खा रहे थे, जूही आराम से बैठे हुए थे। तो जूही हमें देखा कि हम कुछ काम पी रहे थे, जनाब हम पे हमलावर हो गए और जान नहीं छोड़ी तब तक जब तक इसको कुछ दिया नहीं, और हमारे काफ़ी भी जो है ना गिरते गिरते बची है। तो अगर आपने बचने हैं इनसे तो बस इनके सामने कुछ भी ना खाए वरना ये जान नहीं छोड़ेंगे, ये तंग करेंगे आपको। अभी यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं एक दो यहाँ पे भी है डियर। तो अभी है आप देखेंगे कि ये जो ही है, हम नज़दीक जाएंगे इनको तो सबसे पहले इनका काम ये होता है कि आपको सूंघेंगे कि इनके पास खाने पीने की कोई चीज़ है या नहीं। हमने तो अपने बैग में छुपा के अभी रख दिए, जो ही इनकी देखी सिचुएशन की ये तो जान ही नहीं छोड़ते तो हमने बैग में छुपा दिए। अभी आगे आप आपको दिखाएँगे कि ये क्या करते हैं और इंसान को देखे ही ना जनाब के ऊपर, जो बंदा कुछ खा पी रहा हो तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। अभी यहाँ पे एक ये डियर खड़ा है और साथ में कुछ लोग भी खड़े हैं उनको देख रहे हैं, और देखते हैं हम जो ही पास जाएंगे तो ये हमें सूंघेगा। और बस ये इनका ये काम होता है यहाँ पे। तो देखें ये साथ में एक डियर यहाँ पे, और ये है जनाब देखें जी आए और ये सूंघने लगा, लेकिन इनको मिलना कुछ भी नहीं है, इनको ये लग रहा है कि बैग में कुछ है इनके पास, लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। जनाब हम जा रहे हैं आगे बीच की तरफ, और ये यहाँ पे आज मौसम बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है, ना ज़रा सर्दी है ना गर्मी है। और यहाँ के बीच आपको नॉर्मली इस तरह दिखेंगे जिस तरह ये सामने है, क्योंकि मैं तो अभी तक एक दो बीच पे यहाँ पे गया हूँ, लेकिन मुझे उस तरह के बीच कोई नज़र नहीं आए जिस तरह यूरोप अमेरिका में होते हैं, और लोग यहाँ पे लेटे हुए थे और धूप सेंक रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने तो इक्का दुक्का लोग ही देखे, वो भी फॉरनर जो के धूप सेंक रहे होते हैं। तो जनाब हम नीचे जाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं ये बीच है इनका, और वो जो सामने नज़र आ रहा है छोटा सा और रेड सा वो टोरी गेट है। हम टोरी गेट की तरफ इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा पानी है, गंदा सा पानी होगा अभी, क्योंकि अभी हाई टाइड है नहीं और ये पुराना पानी पड़ा हुआ है उसके अंदर, फिर वो गंदे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो हम दूर से ही आपको दिखाएँगे, वो सामने रेड सा नज़र आ रहा है छोटा सा है काफ़ी दूर, तो नज़दीक जाके ना हम आपको थोड़ा सा जाके ना आगे और तो आपको दिखाएँगे ये। बाकी आपको बीच नज़र आ रहा है इस तरह के बीच है, और इसके अंदर लोग पता नहीं इसके पानी में क्या कुछ ढूंढ रहे हैं, शायद पर्ल या मोती या कुछ इस तरह की कोई चीज़ ढूंढ रहे होंगे, कुछ लोग वीडियो भी बना रहे हैं इसके इस पानी की। तो बहुत से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ग्रुप्स की शक्ल में भी आ रहे हैं और ऐसे भी आ रहे हैं, सोलो भी आ रहे हैं। तो रश काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट भी है और रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को ये दिखा दूँ, तो फिर मिलते हैं आगे हम नेक्स्ट वीडियो में।
टेक केयर, बाय।